बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। बिहार के जहानाबाद से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से महिला की जान चली गई। दरअसल महिला के इलाज के लिए जिस दवा की जरूरत थी वह स्टोर रूम में बंद थी, दूसरी तरफ स्टोर कीपर ताला लगाकर अपने घर जा चुका था। ऐसी हालत में तड़प तड़प कर महिला की जान चली गई। महिला की मौत के बाद उग्र परिजनों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया, सदर अस्पताल में तोड़फोड़ की और 2 चिकित्सकों के साथ मारपीट की। लोगों का गुस्सा देख अन्य चिकित्सक समेत अस्पताल कर्मी भाग खड़े हुए। सूचना पर नगर थाने की पुलिस आई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि काको थाना क्षेत्र के सैदाबाद गांव में सोमवार की शाम घर में मुद्रिका यादव की पत्नी सरोजा देवी को बाएं पैर में सांप ने काट लिया। महिला के शोर मचाने पर स्वजन समेत ग्रामीण आनन फानन वाहन से महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया। सर्पदंश से बचाव के लिए ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अरशद इमाम ने एंटीडोज का इंजेक्शन लिखा। बताया गया कि स्टोर में दवा मिल जाएगा। स्वजन स्टोर की तरफ दौड़े गए पर वहां ताला लगा था। स्टोर कीपर घर जा चुका था। महिला की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच सूचना पर घोसी विधायक रामबलि सिंह भी पहुंच गए। उन्होंने अपनी निगरानी में स्टोर का ताला तोड़ने को कहा। तभी एक कर्मचारी चाबी लेकर दौड़ता हुआ आया। स्टोर खोलकर इंजेक्शन निकाला गया। इस बीच डॉक्टर अरशद इमाम अपनी ड्यूटी खत्म कर निकल गए। उनकी जगह डॉक्टर कृष्ण मोहन पासवान और डॉक्टर नंदा ड्यूटी पर आए। इसके बाद डॉक्टर कृष्ण मोहन पासवान ने महिला को इंजेक्शन लगाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला के पूरे शरीर में सर्प का जहर फैल चुका था और उसकी मौत हो गई। क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला, ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।